एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे चैनल पे बहुत ही डिफरेंट सा वीडियो होने वाला है। एंड मैं फर्स्ट टाइम ही अपने चैनल पे मैं भी शेयर कर रही हूँ, काफ़ी टाइम पहले किया होगा। एंड ये है मेकअप हॉल। लाइक आप लोग बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हो कि दी आप कौन से मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर आप मेकअप कैसे करते हो। तो वो वीडियो मैं आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी, मेरे मेकअप मैं मेकअप कैसे करती हूँ, कैसे लुक क्रिएट करती हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को मेरा जो है बिल्कुल न्यूड मेकअप पसंद आता है, तो इसके लिए मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, कौन से मेरे फेवरेट हैं, तो आज मैंने सोचा आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करती हूँ। तो सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मे भी मैं ट्राई करती हूँ कि क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ वो अफोर्डेबल प्राइस में भी हो। ये टॉप मैंने परचेस किया है, जो पहन रखा है, बहुत सारे लोग पूछेंगे ये मैंने मीशो से परचेस किया है, बहुत ही कम प्राइस में 350 अराउंड टॉप है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसका वीडियो शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। सब प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही लिंक मिलेगा माय हॉल स्टोर के नाम से, जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है एंड वहां से आप परचेस कर सकते हो सारे प्रोडक्ट। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि क्या होता है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको मेकअप करना नहीं आता है, आई शेडो वगैरह लगाना नहीं आता है, और सच बताओ मुझे भी अभी तक भी नहीं आता है अच्छे से। अब तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, पहले तो आई मेकअप बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करती थी। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे आई शेडो पैलेट है इन अफोर्डेबल प्राइस पर। मुझे परचेस करना था मेकअप रेवोल्यूशन वाला, तो मैंने ये वाला परचेस किया है। एंड इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कलर देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। एंड प्राइस वाइज बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि इसमें आपको मे बी एक कॉस्टली वाला भी आई शेडो पैलेट मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये वाला चूज़ किया बिकॉज स्टार्टिंग में आप बिगनर्स होते हो, तो आपको कुछ ऐसे आई शेडो पैलेट चूज़ करने चाहिए जो कि इन अफोर्डेबल प्राइस में भी हो, कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाए और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस तरीके की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ही क्लासी सी लगी मुझे ये वाली पैकेजिंग। एंड गाइस अगर आप इसमें खोलोगे तो आपको बहुत सारे आई शेडो पैलेट, आई शेडो कलर्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस, इस तरीके के आई शेडो कलर देखने को मिल जाएंगे। इसमें शिमरी वाले भी हैं, सब तरीके के कलर्स हैं। मे बी इसमें 24 से लेकर 28 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाएगा जिससे आप आराम से इसमें आई शेडो मेकअप जो है आई शेडो क्रिएट कर सकते हो। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट लगा मुझे। तो फर्स्ट जो मैंने बाय किया है मेकअप प्रोडक्ट्स वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है वो है ये वाला आईलाइनर। मैं बहुत टाइम से यही वाला आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये है मेबेलिन का मेबेलिन न्यूयॉर्क आईलाइनर। ये येलो कलर की पैकेजिंग में आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। इसकी ब्रश जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी बात है जब आप लगाते हो तो बहुत स्मूथली ये वाला आईलाइनर क्रिएट हो जाता है। ये जो है वाटर प्रूफ होने के साथ साथ स्मच प्रूफ है, प्लस ये बोल्ड आईलाइनर है। लाइक लगाने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा, आप इससे विंग अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी ब्रश काफ़ी अच्छी है। तो ये वाला आईलाइनर था जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है। हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, इस आईलाइनर को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेस किया है वो है ये वाली क्रीम। और बहुत सारे लोग पूछते हैं ना दी आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हो, तो सच बताऊं मैं फाउंडेशन यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैं फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। लाइक पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब मैं फाउंडेशन यूज़ करने लग गई थी तो मेरी स्किन पर पिंपल्स निकलने लग गए थे और पता नहीं क्यों हुआ, पर मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लाइक रेयर केसेस होते हैं जब मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। डेली में भी जब वीडियो बनाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ या तो कुछ नहीं लगाऊँ या फिर ऑनली मैं बीबी या सीसी क्रीम जो भी मैं लगाती हूँ बस वो क्रीम यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं स्विस ब्यूटी की पर्ल ल्यूमिनेटर मेकअप बेस क्रीम, और इस तरीके की पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। जो मैंने शेड परचेस किया है गोल्डन पिंक 01, ये वाला शेड परचेस किया है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये वाली लगी कि इसको लगाने के बाद आएगा आपको हाइलाइटर वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स आता है, तो इसको लगाने के बाद आपको कुछ भी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अलग से ग्लो आ जाता है आपके फेस पे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो मैं फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करूँगी। और इसके जो है रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा अब से ये वाली ट्राई करती हूँ। समर्स भी आने वाली है तो ज़्यादा मेकअप करना स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने ये वाली 2 क्वान्टिटी परचेस की है इस क्रीम की, और मैं ट्राई करने के बाद आपको बताऊँगी कि मुझे कैसी लगी। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ से ये वाली चीज़ परचेस की है। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेस किया है वो है मेबेलिन फिट मी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। और ये मेरी 3rd या 4th है जो यूज़ कर रही हूँ। मैं 3rd या 4th वाला हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी सारे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा ये। ऑलरेडी मेरा एक है जो ख़त्म हो चुका है पूरा जब मैंने ये वाला दूसरा परचेस किया है। इन अफोर्डेबल प्राइस में मेबेलिन फिट मी का काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसमें आपको इस तरीके का ये पैड देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और मेरी क्या है, ऑयली स्किन है तो बहुत ही जल्दी ऑयल निकलने लग जाता है, तो मैं ये वाला ये कॉम्पैक्ट पाउडर ट्राई करती हूँ। इससे क्या होता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो मैंने ये वाला पाउडर परचेज किया है, कॉम्पैक्ट पाउडर। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करना, इन अफोर्डेबल प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड समर्स के लिए भी परफेक्ट है। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इसको, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ एंड बहुत ही अच्छा है, इतना सा भी मेरे स्किन पे साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये था जो नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया वो है नेल पिन। और आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी आप नेल पिन कौन सी लगाते हो, नेल पिन कहाँ से परचेज़ करते हो। तो मुझे जो जो पसंद आती है, इतना सारा कलेक्शन है मेरे पास नेल पेंट का। ऑलरेडी आप देख सकते हो मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई हुई है, तो बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे कलर। तो दोनों अलग अलग ब्रांड की हैं, ये है फ्रॉम दी ब्रांड कॉलर बार एंड कुछ इस तरीके का कलर आपको देखने को मिल जाएगा। 6-2 ग्रेसफुल कॉलर बार नेल पेंट है ये वाली एंड कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस पैकेजिंग देखो आप, इसकी कितनी ज़्यादा रॉयल लग रही है मुझे। ब्रश काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है, ऑलरेडी मैं एक बार लगा चुकी हूँ इसे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है और एक बार आप लगवा लो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, पैकेजिंग बहुत क्यूट सी लगी मुझे, बहुत स्मार्ट है। एंड ये वाली जो नेक्स्ट मैंने परचेज़ की है, ये है फ्रॉम दी ब्रांड स्प्लैश एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे अमेजोन पर। मैंने ऑलरेडी ये वाला कलर जो है लगाया हुआ है, आप देख लो एक बार, ये सेम वही कलर है एंड बहुत स्मार्ट सा कलर लगा। पीच शेड में कलर था, ऑलरेडी मेरे पास ये वाला कलर है जो नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा ये वाला ट्राई करती हूँ। कलर ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी 3 या 4 डेज हो चुके हैं, लास्ट मेरी वीडियो देखोगे, इससे पहले वाली 3-4 वीडियो तो आप देखोगे, सब में मैंने यही वाली नेल पेंट लगाई हुई है और इतने दिन तक चल गई है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगी। इसमें मैंने परचेज किया है ये वाला मिनीसो का परफ्यूम एंड बहुत ही माइल्ड फ्रेगनेंस है इस वाले परफ्यूम की। एंड आपको पता होगा मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम है, जो मेरी पहले वाली वीडियो देखते थे ना मेकअप वीडियो, तो उसमें मैं बहुत सारे परफ्यूम यूज़ करती थी। और क्योंकि इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं करती मैं, क्योंकि बिल्कुल परफ्यूम क्या होता है, 1-2 बार लगाओ और फिर मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम चाहिए होते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ इन अफोर्डेबल प्राइस में परफ्यूम परचेज करने का। और मिनीसो मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, मिनीसो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, प्लस इसकी फ्रेगनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है पैकेजिंग बताती हूँ, कितनी ज़्यादा क्यूट सी पैकेजिंग है। लुक एट दिस, इस तरीके की आपको पैकेजिंग मिल जाएगी और स्मेल इसकी इतनी अच्छी है, फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो जिन्हें बिल्कुल माइल्ड फ्रेगनेंस पसंद है मेरी तरह, बिल्कुल लाइट, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल लाइट फ्रेगनेंस है इसकी, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके की बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत रॉयल सी पैकेजिंग लगती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ इस परफ्यूम को, ट्राई कर सकते हो। बहुत ही क्यूट सा परफ्यूम है एंड फ्रेगनेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर आप परचेज़ करते हो तो इस वाले परफ्यूम को जरूर से परचेज करना, इसकी भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वो है ये वाली लिपस्टिक और ये है फ्रॉम दी ब्रांड रेने एंड तो आप देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये वाली लिपस्टिक। तो इस वाली लिपस्टिक को परचेज करने का मेरा एक रीज़न था कि एक ही लिपस्टिक में आपको ये 5 लिपस्टिक देखने को मिलती है। लुक एट दिस, इस तरीके की लिपस्टिक देखने को मिलेगी। पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही रॉयल सी पैकेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा लंबी सी पैकेजिंग मिल जाएगी। लाइक अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो अगर आपको बस एक लिपस्टिक रखने की ज़रूरत है, तो उससे होगा कि आपको अलग अलग शेड एक ही लिपस्टिक में देखने को मिल जाएंगे। जस्ट आपको यहाँ से इसे प्रेस करना है और ये इस तरीके से निकाल दो इसे। एंड अगर आपको ये वाला शेड चाहिए तो जस्ट आपको इसे नीचे से इस तरीके से डालना है एंड प्रेस करना है एंड ऊपर ये वाला शेड आ जाएगा। तो इस तरीके की आप ये लिपस्टिक है, जो कि मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। प्लस पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो लगाने के बाद आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ये वाला जो शेड है इसका 4 नंबर का, ये मैंने ऑलरेडी अपने अभी लिप्स पे यूज़ किया हुआ है, देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्लस लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि इधर उधर जा रही है, वो चीज़ नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है एंड डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है ये वाली। तो नेक्स्ट मैंने ये वाली लिपस्टिक परचेज की है, सॉरी। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वो है ये वाला मस्कारा और ये है फ्रॉम दी ब्रांड मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा एंड बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। आप मॉर्निंग टू इवनिंग आराम से, अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी फंक्शन में अटेंड करना हो, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं डेली यूज़ में इस तरीके के मस्कारा यूज़ नहीं करती। मस्कारा मैं जाती हूँ इन अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि वाटर प्रूफ नहीं होता, वो चल जाता है इतने टाइम के लिए, अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको काम है लॉन्ग लास्टिंग, तो आप ये वाला मस्कारा यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है, प्लस इसकी जो पैकेजिंग है वो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रॉयल है। तो ये वाला मस्कारा मैं डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। मैंने बाय किया है वो है ये वाली आईब्रो पेंसिल। और वैसे आपने देखा होगा मैं वीडियोज़ में बहुत ही कम आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ, लाइक मैं आई शेडो पैलेट में से भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये वाली आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छी है। लाइक अगर आप बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं तो लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। एंड मैं एक इसकी ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, ये मैंने सेकंड टाइम परचेज़ किया। इसमें आपको एक साइड जो है पेंसिल देखने को मिल जाती है, ये है डार्क ब्राउन कलर में, इस तरीके की पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है। इस तरीके की बहुत ही अच्छी पॉकेट फ्रेंडली है। एंड यहाँ पर आपको वन साइड इसमें आपको ब्रश देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है एंड बहुत ही अच्छी है। इसमें मैंने जो शेड परचेज़ किया है वो है डार्क ब्राउन। इसमें शायद ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, तो आप देख लेना। मुझे डार्क ब्राउन कलर अच्छा लगता है, सही रहता है मेरे, तो मैंने ये वाला कलर परचेस किया है। इन अफोर्डेबल प्राइस में, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो ये थी नेक्स्ट जो मैंने परचेस की है। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेस किया है वो है ये वाले फेस रेजर। एंड बहुत ही अच्छा है, सभी लोग जानते होंगे इसे यूज़ कैसे करना है। बहुत सिंपल होता है इन्हें यूज़ करना एंड बहुत सही रहता है। छोटे छोटे जो हेयर्स आ जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, फेशियल हेयर्स हटाने के लिए। तो ये मैंने पूरे दो परचेज़ किए हैं क्योंकि शायद एक आ नहीं रहा था या फिर क्या क्वांटिटी दो चाहिए थी, तो उसमें दो थी मिनिमम क्वांटिटी मे भी। तो मैंने ये दो फेस रेजर परचेस किए, पर में आपको 3 का पैक देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत ही क्यूट से हैं एंड बहुत ही अच्छे रहता है, तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ये था जो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेस किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वो है ये वाला हाइलाइटर। आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा, मैं ऑलरेडी मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ करती थी पहले, और फिर मैंने वेट एंड वाइल्ड को जब ट्राई किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जो शेड है आपको 2 या 3 शेड मिलते हैं, सिल्वर, गोल्डन और पिंक शेड में शायद। तो मैं ये वाला शेड ट्राई करती हूँ, बहुत ही अच्छा सा शेड है, ये वाला सिल्वर शेड है एंड बहुत ही क्यूट है। पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं काफ़ी टाइम से इसे ट्राई कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड या थर्ड हाईलाइटर होगा जो मैंने परचेज़ किया है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वेट एंड वाइल्ड की मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा हाई प्राइस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी कम प्राइस में भी आपको एक अच्छा हाईलाइटर मिल जाता है जो कि काफ़ी लंबे लॉन्ग लास्टिंग रहता है और काफ़ी अच्छे से आपको फेस को शाइन करता है। तो उस अकॉर्डिंग ये वाला हाईलाइटर बेस्ट है, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है और जो लास्ट आइटम है इस हॉल का वो है ये वाला स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। एंड मेकअप फिक्सर मैं ऑलरेडी वेट एंड वाइल्ड का यूज़ करती थी, लेकिन मैं उसको यूज़ करती हूँ ओनली विंटर्स में। लेकिन वैसे तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, जब मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो डेली में यूज़ में मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको मेकअप चाहिए कि फिट्स रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आप डेफिनेटली ये स्विस ब्यूटी के इसको ट्राई कर सकते हैं। मेकअप फिक्सर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली है, छोटी सी इस तरीके की बॉटल मिल जाती है एंड ऑल स्किन टाइप के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस रेटिंग मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने अब सोचा आपकी बार इसे ट्राई करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रही हूँ, वैसे मैं वेट एंड वाइल्ड को ट्राई करती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। तो ये था लास्ट आइटम जो आपकी बार मैंने परचेज़ किया है। तो गाइस, आई होप आपको आज का ये वाला मेकअप हॉल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इस तरीके के हॉल देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आगे अपने आपके साथ मेकअप हॉल शेयर करूँगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।